हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखिए महफिल हॉल में हम खड़े हैं, यहाँ पर महफिल हॉल मदनपुरा में है, यहाँ पर मॉलन रोड पे है। यहाँ पर डेली जो है 5 से 10 हज़ार आदमियों का खाना बनाने की सुविधा है और डेली 5 हज़ार पैकेट जो है कुक फूड बनाया जा रहा है, खाने का पैकेट बनाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि जो लोग गरीब लोग पे रोड पे रह रहे हैं, जिनके पास जो रेस्टोरेंट बंद है, जो बीसी में खाना खाते हैं, जो भटियार खाने के बाद गरीब खड़े रहते हैं, उनके पास खाने बनाने की कोई सुविधा नहीं है। हाथगड़ी वाला हमाल है जो उनके लिए पैकिंग होती है जैसे। और एक ख़ास बात यह कि जो साफ़ सफाई का जो ध्यान रखा जाता है वो बहुत बहुत ही अहम है, क्योंकि जैसे ही हम एंट्री किए तो हमारे को भी है ना सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज किया गया। उसके बाद से हमारे को फीवर टेम्परेचर चेक किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कोड़िया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक सलीम कोड़िया जी से। सलीम भाई, रोज़ कितने पैकेट्स बन रहे हैं? रोज़ माशाल्लाह 5000 से 6000 पैकेट बन रहे हैं। हाँ, कल 5300 बने थे, आज का मेरा टारगेट 6000 है। रोज़ दिन बाई दिन ये पैकेट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुआ है। 1500 से मैंने चालू किया था, आज मैं 5500-6000 पे पहुंच गया हूँ। किन किन लोगों को बांटा जा रहा है? हम लोग उन लोगों को बांट रहे हैं जिसके पास खाने का प्रोविज़न नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, जो बेचारे आज हालात और बीमारी की वजह से परेशान है, जिनके कारखाने बंद हो गए, जिनके धंधे बंद हो गए, जिनकी बीसीओ का खाना बंद हो गया, जिनके रोज़मर्रा जो काम करते थे ना वो लोग हैं, अब वो बेचारे गांव नहीं जा सकते, अब वो तो बेचारे यहाँ स्टक हो गए। तो अब स्टक हो गए तो सेठ ने दरवाज़ा धंधा बंद कर दिया, तब धंधा ना पर कर दिया तो उसके बाद रोजी रोटी का सामान्य है। कुछ लोग तो ऐसे है कि जिनके पास पैसा है लेकिन दुकानें बंद है, खा नहीं पा रहे, चूल्हा चक्की नहीं है जिसके पास, क्योंकि वो तो पैसा देके 30 रुपया 50 रुपये में भटियार खाने में या बीसी में खाते थे, अब उसके बाद तो चूल्हे का साधन नहीं है, तो अगर मैं उसको अनाज दूंगा तो बेचारा खा नहीं पाएगा। तो मैंने ये किया कि भाई पहले उसको ज़िंदा तो रखो, उसको अनाज तो पहुँचाओ, वो ज़िंदा रहेगा, ताकत रहेगी, तो इंशाल्लाह आगे वो अनाज भी प्रोवाइड कर लेगा मेहनत करके। और कर अल्लाह करे मेरे देश के हालात अच्छे हो जावे, ये बीमारी अल्लाह दूर कर देवे, ये अल्लाह का कहर ख़त्म हो जावे। हम लोगों को भाई मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, ऐसे काम करो कि अल्लाह राज़ी हो जावे। अल्लाह अगर मेरा राज़ी हो गया तो इंशाल्लाह ये बीमारी ऐसे पल भर में जैसे आई थी पता नहीं चला ऐसी दूर हो जाएगी। कितने दिन का स्टॉक है आपका? अभी मेरे पास है कम से कम है ना 10 से 15 दिन का स्टॉक है, जिसमें रोज़ का मैं 5 से 6 हज़ार आदमी का खाना बना सकता हूँ। ये कहाँ कहाँ बांटते हैं सलीम भाई, ये पैकिंग का सिस्टम? सुन लो, कहाँ कहाँ बांटते हैं ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट का फोटो भी दूंगा, और जितना ओवरऑली मेरे को अभी याद आ रहा है मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। जैसे दगड़चाल में बांट रहे हैं, सीरीन भाई चाल, नया नगर, सब मदनपुरा, धोबी घाट और बदलूपुरा, काला पानी, और इसके अलावा इन एरियो के अलावा हम लोग हॉस्पिटल्स में भी बांट रहे हैं, जे में बांट रहे हैं, नायर में बांट रहे हैं, कस्तूरबा में बांट रहे हैं, फौजिया में बांट रहे हैं, केम के अंदर जो डॉक्टर का एक वो है उसको भी 25-50 बॉक्स रोज के जाते हैं। और इसके अंदर हम लोग ने कैसा किया ना कि हर जगह के जिस जगह पे इंडिविजुअल है, जैसे धोबी घाट है तो धोबी घाट के जो जिम्मेदारान है ना उसको हम लोग ने क्या किया, वहाँ के दो रिप्रेजेंटेटिव को पकड़े और उस रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ की पूरी सर्वे किया कि यहाँ कितने हैं जिसको एक्चुअली खाने की ज़रूरत है, जो बेचारा नहीं खा सकता है और भूखा है। एक इंसिडेंट आपको बनाऊंगा जिससे हमारा दिल दहल गया था। 2 दिन के 3 दिन पहले KK8 करके इधर है हुसैनी बाग के पास, वहाँ पे कुछ 400 से 500 लोग भूखे थे, एक एक डेढ़ डेढ़ दिन से पुलिस लाठी मार रही थी उनको, लोग अपने मुसलमान भाई उनको बोले थे भाई अंदर आ जाओ, उसको नहीं मालूम है, वो रो रहा था, बोले भाई खाना नहीं खाया हूँ डेढ़ दिन से खाना नहीं खाया हूँ। तो उन लोगों को पहले हमने टारगेट किया और उनको प्रोवाइड किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जा रहा है रोज़ का 500 भगवान KK8 में जा रहा है। सबसे छोटी बात करूं, मैं महफिल हॉल पे ये 5 दिन से काम कर रहा था, मेरे बाजू में सालवेशन आर्मी के सामने एक ब्लाइंड लोग रहते, ब्लाइंड वो 23 के 25 है, बेचारे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, मेरे को पता चला, ये मेरे को 2 दिन पहले पता चला कि ये बेचारे खाना नहीं खाए, इनको कौन देगा खाना भी, क्योंकि सब तो रेडीमेड बंद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कवर किया है, पुलिस स्टेशन कवर किया हमने, हॉस्पिटल्स हमने कवर किया है, और इंडिविजुअल मैं अभी मैंने एरिया बांटा है। कैसा एरिया बांटा है कि भाई मेरी एक कैपेसिटी है, मैं उतना ही खेल सकता हूँ, बराबर ना। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, हो सकता है और लंबा काम करे। आज मैं 5-6 हज़ार का कर रहा हूँ, कल 10 हज़ार का काम करना पड़े, 15 हज़ार का करना पड़े, नहीं मालूम मेरे को, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास पूरा प्रोविजन है उसका। मेरे पास अल्लाह ने जगह का इंतजाम करके दिया, जब मेरा सेंट्रली किचन मैं पूरा बना सकता हूँ और हर आदमी को प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ से, एक बराबर। और दूसरा, अब हमारा खाने का सिस्टम मैं आपको बता दूँ, ये सुबह हम लोग का जो खाना यहाँ बनता है किचन है, किचन के बाद ये रेडियो के पार्सल यहाँ आता है,
पार्सल के बाद यहाँ पैकिंग होती है, और पैकिंग के बाद यहाँ इंडिविजुअल हर, जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया ना, जैसे दगड़चाल के 500 बॉक्स है, तो दगड़चाल के अंदर एक नाम है एक्स वाई जेड, वो आदमी आता है अपने 500 बॉक्स लेके जाता है। हाँ ये बॉक्स है, हाँ ये बैग्स, बॉक्स पे उसका नाम लिखा है, ये कंटेनर से वहाँ तक जाता है और वहाँ हमको उनको अंदर नहीं आने देते। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, बाइक पे जाते हैं? नहीं, वो अपना सहूलत करके आते हैं, हमने 4-5 गाड़ियाँ रखी हैं, यहाँ बना देते हैं, वो लोग आके लेके जाते। और हर आदमी, जैसे 500 आदमी है ना, तो उसमें 5 आदमी आते हैं, एक एक कंटेनर आदमी लेके आता है, 2-2 कंटेनर बाइक पे लेके जाता है, यानी गर्दी भी नहीं जमा कर रहे हम लोग किसी को, यानी जमखट्टा जो हालात की वजह से ना, कि भाई गैदरिंग नहीं होना चाहिए, गैदरिंग नहीं कर रहे, उसको इंडिविजुअल वहाँ लाते हैं और वो अपना बॉक्स लेके चला जाता है, और वो अपनी जगह पे जहाँ जहाँ है ना, उस जगह के, जैसे ये गाले में से 10 आदमी है, ये गाले में से 20 आदमी है, ये गाले में से 5 आदमी, वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, अपनी थैली लेके चला जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका सर्वे हमने कर लिया पहले से, और उस तरीके से हमने पूरी लिस्ट बनाई ले हर आदमी की, हर जगह की, जितनी जगह मैंने आपको कहा हर जगह की हमने लिस्ट बनाए, और हर आदमी का नंबर है। जैसे अभी हॉस्पिटल है हमारे पास, तो हॉस्पिटल में हमारे कल के 675 बैठ गए, जो मैंने अमाल लिखा हुआ, अब वहाँ का हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सुफियान करके, तो हॉस्पिटल से कहीं भी फोन आता है, कुछ लोग और भी काम करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, पूरा सर्वे पहले किए, और सर्वे कैसा हुआ कि यहाँ बैठ गई कुदरती, जब सर्वे हुआ लोग आते गए, जुड़ते गए, बोले भाई मैं ये करता हूँ, भाई मैं ये करता हूँ, मैंने ये करके लाया, उसकी लिस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग उसको वेरीफाई भी करते कि ये जो 2 आदमी लेके गए जीनियली वहाँ बटाए गए लोगों को, नहीं तो ऐसा होता ना कि भाई कुछ लोग लेके आते और घर के अंदर नहीं पकाते और पार्सल पहुँचा देते। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिसका हक है ना, उसका हक जाए नहीं, जिस मकसद से काम किया ना, उसको कामयाब होने देना, उसको जाया नहीं जाने देना, बस इतनी गुजारिश है। हाँ, जिसको ज़रूरत है आके लेके जाओ, खिलाना किसी की ताकत नहीं है, उसकी ताकत है वो खिला रहे, बस। तो मैं ये बोलता हूँ भाई, खाली दुआ करो और इस चीज़ को, पैकेट बाहर जा रहा है, देखो पैकेट ऐसा पार्सल जाता है, अब यहाँ वहाँ इसका 100 आदमी का जो पैकेट है, समझो कहीं का नाम होएगा ना, वो आदमी बाहर खड़ा होगा, अपने पैकेट लेके चला जाएगा। असल में अगर कोई दूसरे लोग भी अगर आपको कॉल करे कि हमको यहाँ चाहिए, तो आप देखो भाई मैं कैसा करता हूँ ना, मैंने एरिया बांटा, अभी कल जैसे अब इस चीज़ के अंदर मैं बताऊँ कि मेरे साथ के अंदर, हमारे एरिया के अंदर हर आदमी लोगों ने साथ दिया है। मेरे साथ में मुबीन कुरैशी है, जिम्मेदारान, जिसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि मुबीन भाई के पास जो टीम है ना, माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है, और उनका एरिया के अंदर एक सेटअप बहुत अच्छा है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया इनकी वजह से और इनकी टीम की वजह से, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद नसीम सिद्दीकी है, उन्होंने हमारे को बहुत कॉपरेट किए, यूसुफ अबरानी ने कॉपरेट किए, अमीन पटेल ने हमारे को कॉपरेट किए, हर आदमी ने, इन लोगों ने हमारे को कॉपरेट किया है, यानी जब भी इनको एनी गिवन टाइम पे फ़ोन करो बेचारे हाजिर। अभी कल जैसे हमारे को पास की तकलीफ थी, मटेरियल लाने के लिए हमारे को तकलीफें होती थी, ग्रेन्स के लिए, इसके लिए, ऑयल के लिए, मसाले के लिए, तो इन्होंने हमारे को पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करके हमारे को पास का प्रोविजन किए। मैं नागपाड़ा, आगरीपाड़ा, DCP साहब, कमिश्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब, हर एक का शुक्रिया गुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारे को फुल कोऑपरेट किए, हमारे काम के अंदर, हमारे टाउन के अंदर हमारा पूरा साथ दिए। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये हम लोग खाली एक हमारा एरिया के अंदर और एक तबका और एक रिलीजन के लिए नहीं है, ये काम इंसानियत का है और ये हर एक को जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। आज ज़रूरत इंसान को इंसान की है, और इंसानियत का तहत ये बोलता है, और मेरे नबी का फरमान है कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है उसके अंदर कुछ नहीं है। तो दीन मेरा तब मुकम्मल होगा जब मेरे में इंसानियत आएगी। मैं भी भाई गुनहगार हूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो काम करा ले जिससे वो राज़ी हो जावे, बस। और आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा गली न्यूज़ के माध्यम से कि दुआ करो कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जावे और ये बीमारी हमारे देश में से, पूरी दुनिया में से अल्लाह ख़त्म कर देवे। ऐसे हालात कभी नहीं आए थे। आदमी खुद अपना एक्सरे कर ले, जायज़ा कर ले कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा था कि मेरे को मस्जिद में जाना ना पड़े। मैं जा नहीं पाऊँ मस्जिद में, मैं जुमा नहीं पढ़ पाऊँ, मेरे को फील हो रहा है आज कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा नहीं था, हो गया, तो क्या अल्लाह की मर्ज़ी है वो बेहतर जानता है। तो मैं ये समझता हूँ मेरी नज़रिए से कि वो नाराज़ है, उसको राज़ी कर दो भाई, भाई उसको राज़ी कर दो, इंशाअल्लाह हर चीज़ ऐसी खैर होगी ना कि बागो बहार आ जाएगी। हाँ, ये मेरा देश, ये मेरा मुल्क, ये मेरा हिंदुस्तान, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। गली न्यूज़ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के, मेरे मुंबई के भाइयों से, बहनों से, हर एक नागरिक से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत जो हमको ताकीद कर रही है कि बाहर ना निकले, तो मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते भाई इनको सुनो, बाहर मत निकलो, मनमानी मत करो, ज़िद मत करो। ये जो बोल रहे हमारे अच्छे के लिए बोल रहे,
आज अगर मेरे एक की वजह से अगर किसी को तकलीफ हो गई, किसी को जान गई, तो कसूरवार मैं हूँगा, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा भाई। तो मेहरबानी करें, जो बोल रहे हुकूमत, जो बोल रही है, मेरा कानून जो बोल रहा है, वक्त का तकाजा, हालात का तकाजा यही बोलता है कि इनका साथ दो, इनकी सुनो, मेहरबानी करके इनकी सुनो। सलाम अलैकुम।